मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी युवाओं से जुड़ा। आपने हमेशा कहा है कि जो युवा है वो हमारे आने वाले 50 साल का भविष्य तय करेंगे। तो जो हमारे जो खेल प्रेमी युवा हैं सर, आपने कई जगह पे बताया कि 2036 की ओलंपिक्स की हम बिडिंग करेंगे। सर, उसकी क्या तैयारी हमारे खेल से जुड़े जो युवा हैं वो जानना चाहते हैं आपसे। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जिसने G20 का पूरा बारीकी से एनालिसिस किया होगा वो इस विश्वास कर सकता है कि हाँ, अब भारत की क्षमता है, भारत की क्षमता है इन चीजों को करने की। कॉमनवेल्थ गेम के कटु अनुभव इतने थे कि लोगों को विश्वास टूट गया था, यार कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन G20 के बाद देश का विश्वास, नहीं हम भी कर सकते हैं, कि भाई हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स होने चाहिए। और मैं आजकल छोटे मोटे, अब जैसे मैं 2029 यूथ ओलंपिक मैं चाहता हूँ कि देखो इसको, चेस का वर्ल्ड ओलंपिक मैं कहता हूँ यहाँ ले आपने आओ, बीच ओलंपिक्स का भी जिक्र किया। हाँ बीच ओलंपिक बल्कि यहाँ ले आओ, 2036 हम ट्राई करें। और अभी से मैंने एक टीम बनाई है, उसको मैंने कहा है कि भाई जितने भी ओलंपिक होंगे उसमें ऑब्जर्वर के नाते 2 महीने वहां जाओ, स्टडी करो हर बारीकी के। तो मैंने मेरी टीम को कहा भाई हर चीज स्टडी करो और स्टडी करके लाओ। तो एक प्रकार से तैयारी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उनकी आवश्यकताएं क्या होती है उसको समझना, एट द सेम टाइम हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को तैयार करना। क्योंकि खेल मेरे यहाँ है, गोल्ड मेडल कोई और ले जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता।